जोहार, मैं स्मिता किरण टप्पो, रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय रांची, राजनीति विज्ञान विभाग। आज बीए सेमेस्टर 6 कोर पेपर 13 के अध्याय साम्यवाद पर चर्चा करूंगी। साम्यवाद को हम सामान्य तौर पर पूंजीवाद के विपरीत विचारधारा के रूप में जानते हैं। अगर हम इसके नाम से इसका अर्थ निकालें, साम्यवाद, तो हम इसे समझ सकते हैं कि यह एक ऐसी विचारधारा है जो समाज में समानता चाहती है, साम्यता चाहती है, और साम्यता के लिए यह विचारधारा राज्य के और वर्ग के अस्तित्व को समाप्त करना चाहती है। जब हमने विचारधारा के अर्थ को समझा था, तो हमने यह बात की थी कि विचार की शुरुआत व्यक्ति से होती है, और जब वह विचारधारा बनती है, जब लोग उस विचार को, उस व्यक्ति के विचार को स्वीकार करते हैं, तो उससे प्रभावित होकर के उस विचार की व्याख्या करना चाहते हैं और उसको कार्य रूप में या उसको व्यवहारिक रूप में बदलना चाहते हैं। पर कई बार क्या होता है कि विचार और व्यवहार में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। मतलब कुछ बातें विचारों तक ही रहती हैं, और जब उनको व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया जाता है, तो वे व्यवहारिक रूप में वैसे सामने नहीं आ पाती जैसे विचारों में हैं। ऐसी ही एक विचारधारा साम्यवाद भी है। विचार के रूप में जब हम इसको देखते हैं, तो मार्क्स के द्वारा जो विचार आए, उनको हम मार्क्सवादी सिद्धांतों के रूप में पढ़ते हैं। पिछली कक्षाओं में मार्क्सवाद के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आपने पढ़ लिया है कि मार्क्सवाद क्या है और मार्क्सवाद के विभिन्न सिद्धांत क्या हैं। मार्क्स के बाद जो उनके अनुयायी हुए, उन्होंने मार्क्स के विचारों की व्याख्या समय के और परिस्थितियों के अनुसार अपने अपने तरीके से की। जब मार्क्स और एंजल्स जीवित थे, तो उनके जीवित रहने के समय ही या उनके जीवन काल में ही उनके चाहने वाले, उनके समर्थकों के बीच में मतभेद शुरू हो गए थे, और दो तरह का वर्ग बट गया था, या दो तरह के विचारों का वर्ग बन गया था। एक चाहता था संशोधन और दूसरा परंपरागत मार्क्सवाद में विश्वास करता था। संशोधनवाद और परंपरानिष्ठ मार्क्सवाद दोनों बाद में भी विचारों तक ही सीमित रहे, लेकिन मार्क्सवाद से प्रभावित एक अन्य सिद्धांत या एक अन्य संप्रदाय कहें, साम्यवाद, ये एक वास्तविक व्यवस्था के रूप में परिणत होने लगा। मार्क्स के जितने अनुयायी थे, चाहे वो लेनिन हो, स्टालिन हो, क्रुश्चेव, माओ त्से-तुंग, ब्रेजनेव, गोर्बाचेव, इन सभी ने मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित होकर अपने समय और परिस्थितियों के हिसाब से उसकी व्याख्या की। इन लोगों ने मार्क्स के विचार को जस के तस नहीं अपनाया। रूस में 1917 में रूसी क्रांति हुई, और उस क्रांति का नेतृत्व
लेनिन ने किया, जो समाजवादी रूस के समाजवादी दल का नेता था। लेनिन ने मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित हो करके उसके बहुत सारे सिद्धांतों को साम्यवाद में लिया और अपने तरीके से उसकी व्याख्या की। लेनिन के बाद स्टालिन ने, स्टालिन के बाद ख्रुश्चेव ने, और ऐसे ही उनके बाद आने वाले अलग-अलग लोगों ने, या चीन में माओ त्से तुंग ने मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर के काम किया। तो यदि हम साम्यवाद को एक पंक्ति में समझना चाहें या लिखना चाहें, तो हम यह कह सकते हैं कि मार्क्स, लेनिन और स्टालिन की सामूहिक विचारधारा को हम साम्यवाद कहेंगे, या यह कह सकते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार मार्क्सवाद का संशोधित रूप साम्यवाद है। क्योंकि साम्यवाद में मार्क्सवाद के सभी मूलभूत सिद्धांतों को स्वीकार किया गया है, चाहे वह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हो, चाहे वह वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हो, चाहे वह श्रमिक वर्ग द्वारा क्रांति के बाद हो, या पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने की बात हो, सर्वहारा के अधिनायकत्व की बात हो, या राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लक्ष्य की बात हो, इन सभी सिद्धांतों को साम्यवाद में अपनाया गया है। ये सभी साम्यवादी विचारक, लेनिन, स्टालिन, माओ त्से-तुंग, सभी ने मार्क्स और एंजल्स को अपनी मूल प्रेरणा माना है, लेकिन इन्होंने परिस्थितियों के हिसाब से, परिस्थितियों के अनुसार मार्क्सवाद की नवीन व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं और नए सिद्धांतों को भी प्रतिपादित किया है। तो मार्क्स के कुछ मूलभूत सिद्धांत और बाद में इन लोगों के द्वारा लाए गए संशोधित सिद्धांत, इन सभी को मिला करके हम साम्यवाद कहते हैं। तो इसलिए जब हमें साम्यवाद को समझना है, तो साम्यवाद को समझने के लिए हमें लेनिन, स्टालिन, माओ, ख्रुश्चेव, इन सभी के द्वारा मार्क्सवाद की विचारधारा में क्या परिवर्तन किए गए, इनको जानना आवश्यक होगा। तो हम एक-एक करके इस चीज को समझेंगे कि किसने मार्क्स के विचारों में क्या परिवर्तन किया। हम शुरुआत करेंगे लेनिन से। आगे जो हम चर्चा करेंगे, उसे हम ये कह सकते हैं कि लेनिन ने मार्क्सवाद को क्या दिया, या लेनिन का क्या योगदान था मार्क्सवाद में, इसे हम अलग-अलग बिंदुओं के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर्वहारा क्रांति के बारे में। सर्वहारा क्रांति के संबंध में मार्क्स का मानना था कि तीन बातें या तीन शर्तें अगर पूरी होंगी तो सर्वहारा की क्रांति होगी। अब पहली बात इसमें यह थी, मार्क्स कहते थे कि क्रांति सबसे पहले उन देशों में होगी जहां पूंजीवाद अपने चरम पर होगा, या वैसे देशों में होगी जहां औद्योगिक विकास का काम पूरा हो चुका होगा। दूसरी बात मार्क्स ने इस बारे में यह कही कि क्रांति तभी सफल होगी जब एक साथ दो से अधिक देशों में, पूंजीवादी देशों में, क्रांति एक साथ हो। और तीसरी बात मार्क्स ने इस बारे में यह कही थी कि जिन देशों में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई है, वहां पहले पूंजीवादी क्रांति होगी, और पूंजीवाद का जब चरम विकास हो चुका होगा या पूंजीवाद जब अपने चरम पर होगा, तभी साम्यवादी क्रांति होगी। ये तीनों बातें रूस की 1917 की क्रांति के संबंध में
तीनों में से कोई भी एक बात पूरी नहीं हुई, मतलब तीनों शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं हुई। और इसीलिए लेनिन ने इस बात का प्रतिपादन किया कि क्रांति के संबंध में मार्क्स का विचार या सर्वहारा क्रांति के संबंध में मार्क्स का विचार सही नहीं है। लेनिन ने उसमें सुधार करके यह कहा कि क्रांति के लिए आवश्यक नहीं है कि पूंजीवाद अपने चरम पर पहुंचे, बिना पूंजीवादी क्रांति के भी सर्वहारा की क्रांति हो सकती है, या पूंजीवादी क्रांति हो चुकने के बाद लंबे समय तक रुकने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि मार्क्स कहते थे। लेनिन ने इस बात को स्वीकार किया कि पूंजीवादी क्रांति के तुरंत बाद ही सर्वहारा की क्रांति संभव हो सकती है। तो क्रांति के संबंध में लेनिन ने मार्क्स के महत्वपूर्ण सिद्धांत को नकारा है और इस बात को स्वीकार किया है कि क्रांति के संबंध में मार्क्स के द्वारा बताई गई बातें, उनके द्वारा बताई गई शर्तें आवश्यक नहीं है कि उन शर्तों के अनुसार ही क्रांति की जाए या क्रांति होगी। दूसरी जिस बात में लेनिन और मार्क्स में अंतर है वह है दल संबंधी सिद्धांत। मार्क्स मानते थे कि व्यक्ति खुद के बारे में खुद ही सोच सकता है, और जब श्रमिक की बात आती है तो यदि श्रमिक संघर्ष कर रहा है और उस पर अत्याचार हो रहा है तो श्रमिक स्वयं ही अपने अत्याचार के विरोध में क्रांति के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन मार्क्स के इस विचार से लेनिन सहमत नहीं थे। लेनिन के अनुसार मजदूर खुद ही समाजवादी नहीं हो जाते। लेनिन कहते हैं कि उनमें क्रांति की चेतना जगाने के लिए बाहरी शक्ति की जरूरत है, बाहरी तत्वों की जरूरत है, और वह बाहरी तत्व या शक्ति कहां से आएगी? एक राजनीतिक दल से आएगी। लेनिन का कहना था कि एक शक्तिशाली राजनीतिक दल के बिना क्रांति लाना संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको समझें तो यह कह सकते हैं कि क्रांति की ओर ले जाने के लिए, मतलब श्रमिकों के पूरे समूह को क्रांति की तरफ ले जाने के लिए बौद्धिक नेताओं का एक दल होना चाहिए जो लोगों को क्रांति के बारे में बताएंगे, उन पर हो रहे शोषण या अत्याचार के बारे में उन्हें जागृत करेंगे, उन्हें जानकारी देंगे और क्रांति के लिए उन्हें आगे बढ़ाएंगे। तो लेनिन ने राजनीतिक दल को सर्वहारा क्रांति के लिए महत्वपूर्ण माना है, जिसको कि मार्क्स नहीं मानते थे। दल के महत्व को स्पष्ट करते हुए लेनिन ने कहा है कि साम्यवादी दल मजदूर दल का ही एक भाग है और वह प्रगतिशील और क्रांतिकारी भाग है। तो साम्यवादी दल की स्थापना, साम्यवादी दल के संगठन को लेनिन ने सर्वहारा क्रांति के साथ में जोड़ा है। तीसरी बात जो लेनिन और मार्क्स के विचारों में असहमति की बात है वह है पूंजीवादी और साम्यवादी राज्यों के सह अस्तित्व की असंभावना। मार्क्स ने जब अपने विचार दिए तो मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवाद का जब अंत होगा तो वर्गहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना होगी। वर्गहीन समाज जब बन जाएगा तो राज्य अपने आप समाप्त हो जाएगा, और ये मार्क्सवाद का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और इसी सिद्धांत के विषय में लेनिन संशोधन करते हैं।
लेनिन ने राज्य के समाप्त हो जाने का जो मार्क्स का विचार था उसके बारे में यह कहा है कि विश्व के पूंजीवादी देशों के अस्तित्व से साम्यवाद को खतरा है। मतलब अगर पूंजीवादी राष्ट्र बने रहेंगे तो साम्यवाद कभी भी विकसित नहीं हो पाएगा। अतः साम्यवादी व्यवस्था में राज्य को अगर समाप्त कर देना है या राज्य विहीन समाज की स्थापना करनी है तो संपूर्ण विश्व में पूंजीवाद का अंत करके साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित करना होगा। मार्क्स के विचार में साम्यवादी और पूंजीवादी राज्यों के सह अस्तित्व के बारे में कोई बात नहीं कही गई थी, लेकिन लेनिन इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच युद्ध की अवसंभावना को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि पूंजीवादी राष्ट्र और साम्यवादी राष्ट्र एक साथ विश्व में नहीं रह सकते, दोनों सह अस्तित्व में नहीं हो सकते, और इसीलिए साम्यवादी राष्ट्रों की स्थापना करना आवश्यक है ताकि पूंजीवाद अपने आप समाप्त हो जाए। इसके पश्चात मार्क्स के जिस विचारधारा या मार्क्स के जिस विचार को लेनिन ने नहीं माना वह है सर्वहारा के अधिनायकत्व की बात। तो जिस प्रकार सर्वहारा की क्रांति के बारे में लेनिन मार्क्स से असहमत होते हैं, उसी तरह से सर्वहारा के अधिनायकत्व के बारे में भी लेनिन मार्क्स से असहमति जताते हैं। लेनिन कहते हैं कि सर्वहारा के अधिनायकत्व के स्थान पर साम्यवादी दल का अधिनायकत्व होगा। चूंकि लेनिन ने साम्यवादी दल के अस्तित्व की बात की है और साम्यवादी दल के संगठन और निर्माण को महत्वपूर्ण माना है, इसलिए क्रांति के बाद, सर्वहारा की क्रांति के बाद, जहां मार्क्स ने मजदूर वर्ग की अधिनायकत्व की बात की, वहीं लेनिन कहते हैं कि मजदूर वर्ग का अधिनायकत्व नहीं बल्कि साम्यवादी दल का अधिनायकत्व होगा। क्रांति तो जरूर होगी, क्रांति सर्वहारा के द्वारा की जाएगी, लेकिन चूंकि उस क्रांति को प्रेरित करने वाले साम्यवादी दल के लोग होंगे, बौद्धिक नेताओं का जो दल है उसको लेनिन ने साम्यवादी दल कहा है, तो उन बुद्धिमान नेताओं, साम्यवादी नेताओं के द्वारा अगर क्रांति होती है तो अंत में जो अधिनायकत्व होगा वह सर्वहारा का अधिनायकत्व न हो करके साम्यवादी दल का अधिनायकत्व होगा। लेनिन ने मार्क्स के एक और विचार को से असहमति जताई है और वह विचार है पराधीन देशों के राष्ट्रीय आंदोलनों के समर्थन के बारे में। मार्क्स जिस समय अपने विचार लोगों तक पहुंचा रहे थे, दुनिया के कई राष्ट्र पश्चिमी साम्राज्यवाद से पीड़ित थे। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के बहुत सारे राष्ट्र साम्राज्यवादी शासन के अधीन थे और मार्क्स का विचार था
कि साम्यवाद की स्थापना तब होगी जब पूंजीवाद अपने चरम पर होगा। और इसलिए मार्क्स ने साम्राज्यवाद का विरोध नहीं किया था, वो पूंजीवाद के चरम अवस्था तक पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। तो लेनिन ने मार्क्स के इन विचारों का भी खंडन किया है और कहा कि जो भी राष्ट्र साम्राज्यवाद के अधीन है या साम्राज्यवादी शासन के अधीन है, उनको स्वतंत्र होने का पूर्ण अधिकार है, और जो भी उपनिवेशवादी शोषण को झेल रहे हैं, उनके स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन दिया जाना चाहिए। पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष की तरह ही स्वतंत्रता संघर्ष भी है, और इसलिए उपनिवेशों की जनता को स्वतंत्रता के लिए विरोध करने का या आंदोलन करने का वैसा ही अधिकार मिलना चाहिए जैसा कि पूंजीवादी व्यवस्था के लिए श्रमिकों को क्रांति का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये सारी बातें लेनिन ने मार्क्स के उस विचार के विरोध में कही जिसमें मार्क्स ने साम्राज्यवाद का समर्थन किया था, या समर्थन नहीं कहें, उसे हम ये कहें कि उन्होंने साम्राज्यवाद का विरोध नहीं किया था, क्योंकि वे इंतजार कर रहे थे कि वहाँ पूंजीवाद अपने चरम पर पहुंचेगा और तब क्रांति होगी। लेनिन का साम्राज्यवादी सिद्धांत मार्क्स से बिल्कुल अलग था। लेनिन की एक प्रसिद्ध पुस्तक है साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था, एम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, और ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। ये किताब लेनिन ने मार्क्सवाद की रक्षा के लिए लिखी थी, मतलब मार्क्स के विचारों को समर्थन देते हुए लिखा था, क्योंकि मार्क्स के आलोचक ये कहते थे कि पूंजीवाद के संबंध में मार्क्स की सभी भविष्यवाणियां गलत सिद्ध हुई हैं। तो लेनिन ने अपने इस पुस्तक में मार्क्स पर किए गए या मार्क्स पर लगाए गए आरोपों का उत्तर देते हुए कहा है कि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे पूंजीवादी देशों में मजदूरों की स्थिति इसलिए खराब नहीं हो रही है कि इन देशों में साम्राज्यों ने ही मजदूरों को बुरी अवस्था में जाने से बचाया हुआ है। जैसे उदाहरण अगर हम लें ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन को उस वक्त भारत से बहुत संपत्ति मिल रही थी, जिसके कारण ब्रिटिश मजदूर भी समृद्ध हो रहे थे। तो ब्रिटिश पूंजीपतियों के द्वारा ब्रिटिश मजदूरों का नहीं, बल्कि भारतीय मजदूरों का शोषण हो रहा था, और ब्रिटिश सरकार के लिए या ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सर्वहारा वर्ग ब्रिटिश मजदूर नहीं थे, बल्कि भारतीय मजदूर और किसान थे। तो लेनिन ने इस बात को स्वीकार किया कि मार्क्स के कुछ सिद्धांत सही हैं, पर साम्राज्यवाद की एक विशेष स्थिति के कारण उनका रूप परिवर्तित हो गया है। तो मार्क्स ने जैसा कहा था कि हर औद्योगिक राष्ट्र में या जहां पूंजीवाद अपने चरम पर होगा, वहां सर्वहारा क्रांति के लिए आगे आएंगे, तो जैसे कि लेनिन ने समझाया कि हर राष्ट्र में पूंजीवाद के विरुद्ध खड़े होने वाले सर्वहारा संभव नहीं है कि उसी देश के हों, हो सकता है कि वह दूसरे देशों से हों, जैसा कि औपनिवेशिक दासता के काल में हो रहा था।
तो लेनिन ने अपने साम्राज्यवादी सिद्धांत के संबंध में ये कहा है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। मतलब पूंजीवाद जब अपने चरम पर होता है तब वह साम्राज्यवाद में बदलता है, और साम्राज्यवाद की जो परिणति होती है, साम्राज्यवाद का जो परिणाम होता है, उसका जो अंत स्थिति होती है वह युद्ध में होती है। लेनिन का यह विचार कि साम्राज्यवाद की परिणति युद्ध में होती है, उसके अनुसार दूसरे देशों में पूंजी लगी हुई होने के कारण जो पूंजीपति होते हैं वे साम्राज्य दूसरे देशों में साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं और उस उपनिवेश को पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, और उस प्रतियोगिता के कारण देशों में गुटबंदियां होने लगती हैं और गुटबंदियां होने की वजह से युद्ध की स्थिति बन जाती है या युद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार लेनिन ने मार्क्स के कुछ सिद्धांतों को समय के अनुसार परिवर्तित किया, चाहे वह सर्वहारा क्रांति के बारे में हो या राजनीतिक दल के बारे में हो या पूंजीवादी और साम्यवादी राज्यों के सहअस्तित्व के बारे में हो। साम्यवादी दल को लेनिन ने प्रमुखता दी, तो दल संबंधी सिद्धांत लेनिन का बहुत प्रमुख सिद्धांत है, क्योंकि मार्क्स ने राजनीतिक दल को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना था। उनका कहना था कि बिना राजनीतिक दल के भी क्रांति हो सकती है, लेकिन लेनिन मानते हैं कि राजनीतिक दल का होना ज़रूरी है और साम्यवादी राजनीतिक दल का होना ज़रूरी है, जो कि मजदूरों को क्रांति के लिए प्रेरित करेगा और सर्वहारा के अधिनायकत्व के स्थान पर साम्यवादी दल का अधिनायकत्व स्थापित होगा। लेनिन ने गुलाम राष्ट्रों के स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन किया, क्योंकि और मार्क्स ने साम्राज्यवाद का विरोध नहीं किया था, लेनिन ने साम्राज्यवाद का विरोध किया, और लेनिन ने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की चरम अवस्था माना। इस बात की संभावना से उन्होंने इनकार किया कि पूंजीवादी राष्ट्र और साम्यवादी राष्ट्र दोनों एक साथ दुनिया में स्थापित हो सकते हैं। तो लेनिन के साम्यवाद का जो उद्देश्य है वह है पूरे विश्व में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करना। तो लेनिन एक महान व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं और उनका जो महत्व है वह है क्रांतिकारी सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए। लेनिन ने मार्क्स के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया और उसको व्यवहारिक रूप देने में उसमें कुछ संशोधन किए, उसमें कुछ परिवर्तन किए। तो लेनिन का जो मार्क्सवाद है वह बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार एक मार्क्स की बदली हुई, मतलब मार्क्सवाद की बदली हुई व्याख्या के रूप में हम इसे समझ सकते हैं।